हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो अलग ही टॉपिक है, यानी कि चैप्टर से हट के कुछ दूसरा चीज है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट चीज को छाट छाट कर लाए हैं। तो आइए, आज का जो क्लास है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि सात, जैसे कि पहला नंबर है सात पहाड़ियों का नगर। जैसे कि सात पहाड़ियों का नगर हुआ, तो ये हम किसे कहते हैं, कौन से शहर को कहा जाता है, तो ये है रोम। यानी कि रोम को हम कहते हैं सात पहाड़ियों का नगर। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है, इसलिए हम डाले हुए हैं, यानी कि छांट छांट कर लाए इम्पोर्टेंट चीज को ही। तो पहला नंबर क्या है, सात पहाड़ियों का नगर। तो किस चीज को, यानी कि कौन से शहर को कहते हैं सात पहाड़ियों का नगर, तो ये है हमारा रोम। यानी कि रोम को हम कहते हैं सात पहाड़ियों का नगर, और कौन सा देश में, तो इटली। इसके हम देश भी लिख दिए इटली, ध्यान दीजिएगा। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, तो रोम है। दूसरा नंबर है पोप का शहर, ये भी किसे कहते हैं, तो रोम को ही। यानी रोम को ही हम पोप का शहर कहते हैं, इसी का यानी कि उपनाम क्या है, पोप का शहर। फिर है थर्ड नंबर इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी, तो ये भी हमारा क्या है, रोम। यानी कि रोम को ही हम क्या कहते हैं, इटर्नल सिटी या फिर कह सकते हैं होली सिटी। ध्यान दीजिएगा, तीन चीज, सात पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी, ये तीनों चीजों को किसको कहते हैं, तो ये हमारा रोम शहर को ही, यानी कि रोम शहर का ही उपनाम है। और कहा है, तो इटली में, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर आते हैं एंटीलीज, क्या है, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को। यानी कि क्यूबा को कहते हैं हम एंटीलीज का मोती, यानी कि क्यूबा का उपनाम हुआ, क्या हुआ, क्यूबा का उपनाम क्या हुआ, एंटीलीज का मोती। पांचवा नंबर, हवा वाला शहर किसे कहते हैं, तो शिकागो को, या फिर गार्डन सिटी। हवा वाला शहर किसे कहते हैं, तो शिकागो को, या फिर कह सकते हैं गार्डन सिटी। यानी कि हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी, दोनों क्या है, शिकागो को कहते हैं। कहाँ है, तो यूएसए। फिर है हर्मिट किंगडम, क्या है, हर्मिट किंगडम जो है इसका उपनाम क्या है, तो यानी कि कोरिया को हम कहते हैं हर्मिट किंगडम। छठा नंबर क्या है हमारा, हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं, तो कोरिया को। फिर सातवां नंबर है लैंड ऑफ मॉर्निंग का, ये भी हमारा कोरिया को ही हम कहते हैं। सातवां नंबर क्या है, लैंड ऑफ मॉर्निंग का, ये भी किसे कहते हैं, तो कोरिया को। ध्यान दीजिएगा, हर्मिट किंगडम और लैंड ऑफ मॉर्निंग का, ये दोनों क्या है, कोरिया, कोरिया का उपनाम है। फिर आठवां नंबर है लैंड ऑफ कंगारू, तो ये आराम से कह सकते हैं लैंड ऑफ कंगारू किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। जहां भी कंगारू मिले तो समझ जाते हैं प्राय सब कोई कि ये ऑस्ट्रेलिया ही है, तो लैंड ऑफ कंगारू का उपनाम जो है, किसका उपनाम है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। फिर दसवां नंबर है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसे, किसका उपनाम है, तो नॉर्वे का। यानी कि नॉर्वे का उपनाम क्या है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कभी की पूछ सकता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस शहर को, किस देश को कहा जाता है, तो वो हमारा क्या है, नॉर्वे है। फिर दसवां नंबर, टेंथ नंबर में क्या है, हॉलीलैंड, हॉलीलैंड किसे कहा जाता है, तो है जेरूसलम, यानी कि इजराइल में है, क्या है, जेरूसलम इजराइल। ग्यारहवां नंबर आता है हमारा ग्रेनाइट सिटी, तो ग्रेनाइट सिटी किस नाम से, यानी कि किसको जानते हैं हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से, किसे जानते हैं, तो वो है एवरडीन, यानी कि स्कॉटलैंड में है, क्या है, एवरडीन स्कॉटलैंड में है। फिर बारहवां नंबर है भूमध्य सागर का द्वार, यानी कि किसे हम भूमध्य सागर का द्वार के नाम से जानते हैं, वो हमारा है जिब्राल्टर। ध्यान में रखिएगा, भूमध्य सागर का द्वार के नाम से किसे जानते हैं, तो जिब्राल्टर को। फिर है सूर्योदय का देश, तो ये जापान है हमारा। सूर्योदय का देश किस, यानी कि इसके नाम से किस, कौन सा देश को जाना जाता है, तो वह हमारा जापान है। और 14 नंबर इस पार्ट का अंतिम, लिली का देश कनाडा को, लिली का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह हमारा कनाडा है। यानी कि इस पार्ट में था 14, तो एक बार फिर हम स्पीड स्पीड में इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर उस पार्ट में हम चलेंगे। तो सात पहाड़ियों का नगर रोम, पोप का शहर ये भी रोम है, इटर्नल सिटी या फिर हॉली सिटी ये भी हमारा रोम है,
एंटीलीज का मोती जो है क्यूबा को कहा जाता है, हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी शिकागो, यानी कि इस नाम से किसे जाना था तो शिकागो को जानते हैं हम लोग। हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाने वाला जो देश है कोरिया है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है कोरिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं हम। फिर लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जानते हैं किसको, नॉर्वे को। फिर है हॉलीलैंड, हॉलीलैंड जो जानते हैं जेरूसलम यानी कि इजराइल में है। और ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं किसको, तो एवरडीन स्कॉटलैंड में है। भूमध्य सागर का द्वार के नाम से जाने जाने वाला कौन है, तो जिब्राल्टर है। सूर्योदय का देश जापान। लिली का देश किसे, तो कनाडा को। अयर इस पार्ट में हम बात करते हैं 15 नंबर की, संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है, तो पामीर का पठार, यानी कि पामीर के पठार को ही हम जानते हैं संसार का छत के नाम से, यानी कि उपनाम। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की बात कर रहे हैं, तो संसार का छत किसे, तो पामीर का पठार। फिर लैंड ऑफ केकस, क्या है, लैंड ऑफ केकस यानी कि स्कॉटलैंड को हम जानते हैं। फिर सिटी ऑफ गोल्डन गेट, क्या है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट यानी कि इसके नाम से किसे जानते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को, क्या है, सैन फ्रांसिस्को यानी कि कहां है, तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, यानी कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट इसके यानी कि किसे जानते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप किसे के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है हमारा अफ्रीका। अंध महाद्वीप के नाम से जाने जाने वाला जो है, क्या है, अफ्रीका है। फिर भारत का बगीचा किसे कहते हैं, तो बंगलुरु को, जहां कहां स्थित है, तो भारत में, सबको जानते हैं भारत का बगीचा। ध्यान दीजिएगा, भारत का बगीचा बंगलुरु को जानते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन को। भारत का बगीचा किसे कहते थे, बंगलुरु को कहते हैं, और मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो बहरीन को। फिर श्वेत नहर, श्वेत नहर के नाम से किसे जानते हैं, तो बेलग्रेड को। फिर भारत का मसालों का बगीचा केरल, यानी कि भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जानते हैं किसे, तो केरल को जानते हैं। केरल को ही हम भारत का मसालों का बगीचा कहा गया है। फिर स्मारकों की नगरी किसे जानते हैं, तो वियना, यानी कि वियना को ही स्मारकों की नगरी कहते हैं। कहां स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं, यानी कि थाईलैंड को ही हम क्या कहते हैं, एशिया का पेरिस इसके उपनाम से जानते हैं। फिर पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं, तो हम जानते हैं नीदरलैंड को। फिर 26 नंबर आते हैं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, किसे जानते हैं, तो ये हमारा जापान है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जो है जापान को हम कहते हैं, यानी कि इसका उपनाम है। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को, हिंद महासागर का मोती के नाम से किसे जानते हैं, तो वह है श्रीलंका। और इंग्लैंड का बगीचा कैंट, यानी कि कहां स्थित है, तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं, तो कैंट। और एम्पायर सिटी, क्या है, एम्पायर सिटी के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो है न्यूयॉर्क, और कहां स्थित है, तो यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो एम्पायर सिटी, ध्यान दीजिएगा न्यूयॉर्क। फिर से इस पार्ट को दोहराया, तो इस पार्ट को भी हम यानी कि स्पीड में, स्पीड वे में इसको निकाल देते हैं। तो ये 15 नंबर में क्या था, संसार का छत, ये हमारा है पामीर का पठार, लैंड ऑफ केकस स्कॉटलैंड, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जानते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को, भारत का बगीचा किसे कहते हैं, तो बंगलुरु को। उसके बाद मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। श्वेत शहर जो है बेलग्रेड को कहा जाता है। और भारत का मसालों का बगीचा कौन है, तो केरल है। स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वियना को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। और पवन चक्कियों की भूमि जो है नीदरलैंड को कहा जाता है। फिर पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे, तो जापान को। और हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका है हमारा। इंग्लैंड का बगीचा कैंट, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। और एम्पायर सिटी जो कहां स्थित है, कौन से शहर में, तो वह है न्यूयॉर्क। और कहां स्थित, तो यूएसए यानी कि देश में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।